तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू क्लर्क TFCCIL। तो एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए बात करेंगे। तो देखिए, हमारे पास किस में कितना वेटेज रहता है, तो आज मैं वो डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। तो काफ़ी यूट्यूब चैनल ने बताया होगा, तो एक रणनीति के हिसाब से आप तैयारी करोगे तो सब चीज़ सही हो जाएगी। तो आप इसमें TSDC JEE के लिए भी बात करेंगे। तो लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है ज़रा, तो सॉरी, कई भाइयों को दिक्कत आती है मेरे से। तो क्या है कि देखिए, स्टार्ट हम करेंगे एग्जीक्यूटिव सिविल को, हम कैसे देखेंगे हम ये। हम मैं पूरे बात करूँगा, 2018 की बात करूँगा, 2018 की बात, किसमें कितना आया था। मैंने भी पेपर दिया था, हालांकि मेरे 6 नंबर से हुआ था DFCCIL में। तो आप देख सकते हैं दीपक किरौला करके। तो देखिए, सबसे पहले सॉइल की बात करेंगे। सॉइल का वेटेज सबसे ज़्यादा है। सॉइल तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। सॉइल के कम से कम 15 क्वेश्चन देखने को मिले हैं 18 में। चाहे आप 16 की बात करें, चाहे 18 की बात करें, 18 क्वेश्चन। सबसे पहले आप इसी को प्रिफेयर करें, सॉइल को। फिर सॉम में जाना, फिर सॉम पढ़ना। कम से कम इसमें से 13 से 15 क्वेश्चन देखने को मुझे मिले हैं। फिर BMC भी बहुत इंपॉर्टेंट है। BMC से 12 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। RCC की बात करेंगे, यहाँ से 6 क्वेश्चन। RCC शायद 8 क्वेश्चन देखने को मिले थे यहाँ, और सर्वे के 6 क्वेश्चन और एनवायरनमेंट के 5 क्वेश्चन। देखिए, आप इसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। पहले सॉइल, फिर सॉम, फिर BMC, फिर RCC, सर्वे, एनवायरनमेंट, फिर SM के कुछ क्वेश्चन खास देखने को मिले, 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। स्टील के वहीं 4, और हाईवे से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। रेलवे से भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हाइड्रोलॉजी से 1 क्वेश्चन देखने को मिला। वहीं इरीगेशन की बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम है तो सॉरी, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। तो हम GK की बात करें तो GK में, मैं इसके बारे में अभी डिस्कशन करूँगा, पहले GK बता देता हूँ। GK में आप करंट अफेयर पढ़ लेना, 2 से 3 क्वेश्चन 12 मार्क्स के पूछे जाने हैं, ठीक है जी। GK और संविधान पढ़ लेना, कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट तो ज़रूर पढ़ लेना, ये दोनों जो ज़रूर पढ़ लेना, इसमें से क्वेश्चन बनता है। एक्ट एंड रेगुलेशन और हिस्ट्री, वो भी हिस्ट्री कौन सी पढ़नी है हमने, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। तो आप इतना कर लोगे तो आप क्रैक जरूर कर जाओगे। और आता है रीजनिंग का पोर्शन। रीजनिंग का आप पोर्शन SSC JEE के प्रीवियस ईयर लेना, उसको सॉल्व करके जाना, आपका काम बन जाएगा। तो मैं सबसे पहले इसको हटा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं सॉइल की बात करूँगा। सॉइल के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल से बन सकते हैं क्वेश्चन। दूसरा, हमारे पास कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन, ठीक है। उसके बाद फाउंडेशन आप कर देना। ये 3 चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है पढ़ना सब है। सबसे पहले इन्हीं को प्रिफेयर करना, इनको छोड़ना मत। सॉम की बात करें तो सॉम में आपको पता ही है SFD BMD, स्टार्टिंग ये चैप्टर, ठीक है। इलास्टिक प्लास्टिक क्या होता है, यंग मॉडुलस से क्वेश्चन आए हैं और बल्क मॉडुलस से क्वेश्चन आए हैं। तो उसकी इसमें मुंह आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको हटा देता हूँ। तो फॉर्म में देखिए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन आए हैं, सेक्शन मॉडुलस से आप पढ़ सकते हो सॉम। BMC की बात करें, सीमेंट, टिम्बर, लाइम बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर रूप प्ले करते हैं। प्लास्टिसिटी, मेटल एंड नॉन मेटल का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चौथे में आप RCC, ये हम कोडल प्रोविजनल, यानी कि हम पढ़ सकते हैं उससे।
कोडर प्रोविजनल है 456 2000 एम्बेडमेंट से। सर्वे आपको पढ़ना है, एनवायरनमेंट पढ़ना है, एफएम पढ़नी है, एफएम कुछ खास नहीं है, सिंपल सिंपल फॉर्मूले याद करना, ज़्यादा मत करना। स्टील पढ़नी है, हाईवे, हाईवे से भी कुछ नहीं, पेमेंट डिज़ाइन से क्वेश्चन आएंगे। और जो स्टार्टिंग चैप्टर है यानी कि CRRI IRC का कब गठन हुआ और नागपुर रोड प्लान, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। रेलवे, रेलवे से रेलवे ट्रैक मोस्ट इम्पोर्टेंट, रेलवे ट्रैक इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ट्रैक जो है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी को आप पढ़ भी सकते हो, नहीं भी अगर टाइम हो तो पढ़ लेना, जो मुझे पता है टाइम नहीं मिलेगा। इरीगेशन पढ़ लेना जरूर, तो इतना कर जाओगे तो क्रैक कर जाओगे DFCCL। और ये हमारे पास TSDC के लिए भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा मौका है हमारे पास TSDC और एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए, आप और मैं दोनों बनेंगे। देखिए TSDC और DFCCL में, तो थैंक यू, मैं भी तैयारी करूँ, आप भी तैयारी करते रहिए, और जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी आपको मैं शेयर करते जाऊँगा। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को, देखिए थैंक यू। और पुरानी वीडियो के लिए सॉरी, जिसमें आपको ब्लर वीडियो दिखा, मतलब इसलिए मैं आपके ट्राइपॉड ला चुका हूँ। थैंक यू एंड सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर चैनल, ओके थैंक यू।